Yo, what up, my beautiful Amvians? How are you guys? I hope my all Amvians are doing well. By the way, मैंने मेरे Amvian के साथ बड़े दिन हो गए. बड़े दिन भी क्या, साल होने को आया है कि ये सब वन एंड वन टॉक किया नहीं. वन एंड वन टॉक करता हूँ बस सिर्फ इंट्रो और आउट्रो तक ही. बाकी बीच का जो कंटेंट रहता है वो मेरा कभी प्रैंक रहता है, कभी ट्रैवल ब्लॉग रहता है, फिर कभी कौन सा नॉर्मल ब्लॉग होता है. सो आज मैं इस वीडियो में यस सिर्फ और सिर्फ वन एंड वन टॉक करने वाला हूँ. एंड येस इट्स काइंड ऑफ सोल टॉक विथ माई एम्बियंस. सो अगर कोई प्रैंक्स व्लॉग्स चैलेंज या फिर कॉमेडी ब्लॉग देखने आया है तो चले जाओ. चले मत जाओ, मतलब एंटर देखो, क्योंकि अगर आपने ब्लॉग एंटर देखा तो थोड़ा आप इंस्पायर हो जाओगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे. वेल आई नो कि मेरी एम्बियंस लाइफ में कुछ अच्छा कर ही रही होगी. वेल बड़े दिनों से मुझे और एम्बियंस ये बोलना था कि मेरे एम्बियंस ना आजकल मुझे सपोर्ट तगड़ा वाला दे रही है. यस यस टच वुड, मेरे जो एम्बियंस है ना, टच वुड अभी यहाँ पे वुड का, सो टच वुड एम्बियंस है ना, मुझे नो डाउट ऑसम सपोर्ट दे रही है. लाइक का मांग रहा हूँ 10,000-15,000 एक एक दिन में पूरी कर रही है. ये चीज़ ही मुझे मोटिवेट करती है डेली व्लॉग्स करने के लिए. एंड यस थैंक यू माई एम्बियंस मुझे ऐसा ही सपोर्ट करने के लिए. लिटरली जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो लाइक और व्यू का रेशियो देखते हो ना, मैं खुद ही शौक हो जाता हूँ. व्यू रहते हैं 10 और लाइक रहते हैं 500. सो मतलब 11:30 को मेरी जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे हज़ारों अभी लाखों एम्बियंस मेरा वेट करती है. सो येस थैंक यू वंस अगेन एम्बियंस. बट गाइज ऐसा सिचुएशन ये अभी अभी होने लगा है, पहले ऐसा नहीं था. आज मेरे पास सब कुछ है, टिप 390, आईफोन, कैमरा तो पहले से था ही, मेरी अच्छी एम्बियंस, एम्बियंस जैसी अच्छी फैन फॉलो फैन तो नहीं बोल सकते, एम्बियन एक फैमिली. इस व्लॉग में मैं मेरी एम्बियंस से शेयर करने वाला हूँ कि मेरे इतने कम उम्र में मैंने ड्यूक 390, आईफोन, गोप्रो, कैमरा, लेंस, इतनी सारी लाखों की चीज़ें कैसे खरीदी. अभी जो मुझे चाहिए था वो मैंने तो मेरे सपने सारे पूरे कर दिए हैं, बट कुछ कुछ सपने बाकी रह गए हैं. वेल इंसान की कभी नीड ख़त्म होती नहीं, एंड वैसे ही है. अभी तो मुझे लाइक बहुत चीज़ें खरीदनी हैं. अब वो खरीदनी क्या है, जैसे कि 4-व्हीलर हो रही गई और बहुत सी चीज़ें, वो मैं फ्यूचर में धीरे धीरे खरीद लूँगा. एंड येस अभी मैंने मेरी ड्रीम बाइक, वेल नॉट अ ड्रीम बाइक, ड्यूक 390 वॉज नॉट माई ड्रीम बाइक. माई ड्रीम बाइक वॉज हायाबुसा कावासाकी निंजा 1000. बट अगर वो मैं गाड़ी ले लेता तो मैं रास्ते पे आ जाता, बिकॉज जो ड्यूक 390 मेरा मल्हार जो मैंने लिया है ना, वो मैंने मेरे खुद के पैसों से लिया है. मैंने मेरे फैमिली से एक रुपये भी नहीं मांगा. एंड येस अगर मैं कावासाकी की कौन सी भी बाइक, फिर कावासाकी 400 मैं लेने ही वाला था, बट मेरे फ्रेंड के पास सेम निंजा 400 है. सो उसने बताया कि भाई मत जा, अगर तू उसको लेगा तो वो तेरा खर्चा बहुत कराएगी. उसके सादे साइड मिरर से 7000 के थे. सो मैंने सोचा कि ड्यूक 390 इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. एंड येस अब रही बात, आप मुझे बहुत बोल रहे थे कि मुझे ड्यूक 390 कितने में पड़ी. वेल ड्यूक 390 मुझे 3,26,000 में पड़ी और एक्स्ट्रा लोन उस पर 70,000 का लगा. टोटल जो ड्यूक 390 है ना वो मुझे 4 लैक्स में पड़ी. एवरी मंथ मैं ड्यूक 390 का 8,900 EMI पे करता हूँ मेरे खुद के पैसों से. ये रही ड्यूक की. और दूसरी बात, मैंने 4-5 महीने पहले मेरा आईफोन और ये GoPro ख़रीदा था और इसका भी EMI जुलाई में ख़त्म होगा. ये फ़ोन मुझे 1,05,000 के करीब पड़ा और ये जो GoPro है ये मुझे 35,000 का पड़ा. और ये जो वाइड एंगल लेंस है ये मुझे डिस्काउंट लगाकर 12,000 तक पड़ी. सो सारी चीज़ों का मैं आप तक पे कर रहा हूँ EMI. आईफोन, GoPro, लेंस का तो इस जुलाई में ख़त्म होगा, बट 3 साल तक ड्यू 390 का EMI चलने वाला है. बट एक चीज़ तय है कि येस मैंने मेरी जो मेरे को जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने खरीद ली. एंड यू गैस मस्ट बी वंडरिंग दैट मैंने मेरे घर से हेल्प क्यों नहीं मांगी. अब वो मैंने क्यों नहीं मांगी, बिकॉज आपका भाई खुद से सब अचीव करना चाहता है. एंड येस मैंने वो कर लिया और बहुत कुछ करना है फ्यूचर में मुझे. एंड येस गाइज दांत देख रहे हो, दांत भी एकदम सक्सेसफुली आ गया. सो अभी जरा पास्ट में जाते हैं. अब वो पास्ट में क्यों जाते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे नए नए एम्बियंस मेरे साथ जुड़ चुके हैं. सो उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो उनको थोड़ा मेरे बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ. वेल गाइस ये जो चैनल है ना MVTube, जो अभी 3 लाख हिट होने वाला है. एंड गाइस मार्च के एंड तक 3 लाख कर दो, 3 लाख हिट होने वाला है.
इसके पहले भी मेरा और एक YouTube चैनल हुआ करता था, बट उसको मैंने 6000 सब्सक्राइबर होने पे ही छोड़ दिया। वो उसको मैंने क्यों छोड़ा, वेल उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि उसके ऊपर मोनेटाइजेशन था, वो डिसेबल हो गया था, और मैं पागलों की तरह तो नहीं बट था अंदर, मैं कभी पैसों के लिए तो नहीं किया कि ये पैसे चाहिए। अब 6000 सब्सक्राइबर हो गए, इतना वीडियोस मैंने डाले थे, 200 के ऊपर वीडियोस हो गए थे, सो आप समझ सकते हो कि बंदा पैसे के लिए तो नहीं कर रहा था। बट जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा चैनल पैसे नहीं कमा पाएगा, तो फिर मेरे दिल में हर्ट हुआ, बहुत सैड हो गया। फिर दिल पे पत्थर रख के आपके भाई ने न्यू चैनल खोल दिया, एंड यस विद इन अ ईयर 1 लाख सब्सक्राइबर आपके भाई ने हिट कर दिए, एंड अभी की डेट पे 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। एंड यस, एक चीज़ मैंने बरकरार रखी, मेरा हार्ड वर्क, मेरा स्मार्ट वर्क और मेरी कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी इस बात की कि अभी मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। पहले मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता था कि जब मैं एक दिन में लाइक कैम 8000-12000 मांगता था, वो मुझे एक दिन में मिलता था। बट अभी आप एक दिन में कर देते हो, वो देख के मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि यस व्लॉग्स लाओ आपके लिए, और आप वो करते हो। सो अगर आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप यूट्यूबर हो, तो एक चीज़ तो आप रखिए ही, हार्डवर्क तो करो ही, बट साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। दिमाग से खेलो, दिमाग से अगर खेलोगे तो ज़्यादा आगे जाओगे, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ये तीन चीज़ आपका भाई आपको बोल रहा है, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क और मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, एंड यस यू विल अचीव योर ड्रीम। या श्योर, फॉर श्योर यू विल अचीव योर ड्रीम, बिकॉज ये चीज़ तो थी कि इतना भी मैं शौकीन नहीं था आईफोन का कि हाँ आईफोन चाहिए, बट दिस स्टफ इज मेकिंग माई वर्क वेरी इजी, बिकॉज इस पर एडिटिंग लाजवाब होती है, और जब मैं कैमरा DSLR से व्लॉग नहीं कर पाता तो बेस्ट भाई बोल नहीं सकता। और रही बात GoPro की, तो GoPro के लिए नो वर्ड्स। एंड अभी अपने पास आ गया है अपना मलर, तो मलर के साथ तो अभी हर जगह फुल इंडिया घूमने वाला है आपका भाई। सो मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरी अर्निंग कितनी है, वो मैं अर्निंग तो रिवील नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हर मंथ कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, सो बोल के मतलब नहीं, बट वो अर्निंग मैं फ्यूचर वीडियो में करूँगा रिवील। और मैं ये सोच रहा हूँ AMVS, और मुझे बहुत पसीना आ रहा है बिकॉज मैं रेस फैन बंद है। सो अभी मैं ये सोच रहा हूँ AMVS की अभी Q&A रख ही देता हूँ। #AMVS कमेंट में लिखो अपना क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो Q&A तो नहीं होगी, आई एम प्रिटी श्योर कि नेक्स्ट वीक Q&A वीडियो ज़रूर डालूंगा। सो कमेंट में #AMVS करके अपना क्वेश्चन पूछो। सो यस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। नेक्स्ट व्लॉग ऑसम व्लॉग होगा, वीडियो में मैंने सिर्फ 1-on-1 टॉक, सोल टॉक और थोड़ा ज्ञान आपको बताया है। सो यस, सो राइट नाउ इट्स टाइम कम टू रैप दिस लवली व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। सो इस वीडियो का लाइक कैम रखते हैं, 10,000 लाइक्स AMVS कर दो, और लिटरली गाइस मुझे बहुत पसीना आ रहा है, AC फैन सब बंद है, बट ठीक है चलते हैं। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मेरे डेली व्लॉग्स को सपोर्ट करो, बिकॉज इस साल 1 मिलियन का पहाड़ आपके भाई को चढ़ना है। यस AMVS, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।